हे भाई लोग, तो कैसे हो आप सब। आज हम बनाने वाले हैं होम मेड एक ब्लास्टर। जो मैं अब एक अपने किसी काम के लिए जो है मैं बना रहा हूँ, और हम इससे जो बनाएंगे एक ब्लास्टर। जैसे शादियों में आपने देखा होगा कि एक ब्लास्टर होता है जिससे फटने से बहुत सारे रंग बिरंगी जो है चिमकी वाले झिल्ली कलर पेपर वगैरह जो है वो उड़ता है। तो उस तरह का ब्लास्टर बनाना है, और इसलिए जो है मैंने कुछ होममेड तरीका जो है अपनाया है अपने एक लिए एक ब्लास्टर बनाने के लिए। तो सोचा मैं चलिए आपको जो है ये सारा चीज़ जो है बताता चलूँ। तो भाई सबसे पहले जो है हमने बनाया है ये इस तरह का एक डब्बा पम के लिए। तो इसको कैसे बनाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो है मैंने कुछ पेपर्स को इस साइज़ से कटिंग कर लिया है, ठीक है। तो इस साइज़ का बनाना है। अब इसके बाद में हम यहाँ से कुछ पेपर जो है इसके कितना साइज़ में बनाना है उस हिसाब से हम जो है कुछ पेपर्स को ले लेंगे। और उसके बाद में हमको ज़रूरत पड़ेगी एक पेन की। तो ये पेन मैंने ले लिया है। तो इसको जो है इस तरह से रखने के बाद हम इसको रोल करेंगे। तो इस तरह से जो है हमको रोल कर लेना है, और उसके बाद आखिर में जो है एक पेपर, प्लेन पेपर, सिंगल पेपर लेंगे हम। और इसको यहाँ से देने के बाद इसको भी हम इस तरह से रोल कर देंगे, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ आपको एक डेमो बता रहा हूँ, और इसके बाद में इसको हम किसी भी गम से जो है इसको चिपका देंगे। तो पहला जो प्रोसेस ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद में हम इसको जो है निकाल देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह का डब्बा हमारा बन जाएगा। उसके बाद में पेन के जो पीछे तरफ, अगर मेरे पास कैप नहीं है, कैप अगर होगा तो वहाँ से जो है आपको इधर से कुछ इस तरह से प्रेस करना है, तो कुछ इस तरह का शेप आपको नज़र आ जाएगा। इसके बाद में पीछे तरफ जो है कुछ इस तरह का आपको जो है नज़र आएगा। तो यहाँ हमको जो है क्या करना है, हमको गम और जो बालू होता है, ठीक है, तो उसको कोई भी गम, चाहे आप मैदा को जो है पानी डाल के टेम्परेचर कर दीजिए, बॉईल कर दीजिए, उसके बाद में वो गम बन जाएगा। उसमें जो है आपको थोड़ा सैंड बालू जो है उसको मिक्स करके उसका पेस्ट बना लीजिए, और इसको जो है इस तरह से यहाँ पर जो है एक तरफ भर देना है, ब्लॉक कर देना है, और उसको जो है धूप में सुखा देना है। तो इस तरह से जो है हो जाएगा हमारा ये कैप तैयार, ठीक है। तो ये डेमो था सिर्फ। तो इस तरह से मैंने जो है बना रखा है। तो लगभग इसके लिए मुझे जो है बना के करने में एक आध दिन रख गया, क्योंकि इसको जो है हार्ड होने तक सुखाना है। तो ये ड्राई हो गया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस हम क्या करेंगे, तो चलिए मैं इसको जो है सारे चीज़ को साइड में रख देता हूँ। और ये हमारा जो है बम का जो कैप रेडी है। अब हमें चाहिए इसमें भरने के लिए बारूद। तो उसके लिए मैंने क्या क्या है, एक मार्केट से जो टाइगर बॉम है, ठीक है, ये टाइगर बॉम मैंने लिया है, और इसका पूरा कवर जो है कवर और जो भी रस्सी वगैरह खोल के इसके अंदर का जो बारूद है उसको मैंने जो है निकाल लिया है। और बम का जो बारूद है वो मैंने निकाल के यहाँ रखा हुआ है। तो दोस्तों इस वाले बम के अंदर जो है, इसके अंदर में अगर इसका जो तागा खोल देंगे और उसमें जो एक आपको कागज़ का एक डब्बा मिलेगा, उसके अंदर ये सारा जो पाउडर होता है बारूद, तो उसको हमने निकाल दिया है। फिर से मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि इसको जो है आप प्लीज़ घर में बिल्कुल भी मत कीजिए। ये सिर्फ़ एक नॉलेजेबल वीडियो में जो मैं बना रहा हूँ तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। आप इसको बिल्कुल भी घर में ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही डेंजर होता है, इसमें बहुत पावर होता है। थोड़ा सा भी एक चिंगारी जो है बहुत ज़्यादा इसमें पावर जो है आग निकलता है, ठीक है। तो भाई अब हमको क्या करना है, इस वाले डब्बे है हमारे पास, बारूद है, और मैं जो बना रहा हूँ वो एक इलेक्ट्रिक बम है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक से हमको एक ब्लास्टर बनाना है। दरअसल जो है हम एक जैसे मैरिज पार्टियों में ब्लास्टर, मैरिज पार्टियों के लिए ब्लास्टर बनाना है। तो ये मैं होममेड बना रहा हूँ, इसका रेडीमेड भी मिलता है, आपको ये सब घर में बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है मार्केट से ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, मगर मैं जो है
होममेड बना रहा हूँ, इसलिए जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए एक इस तरह का फ्यूज़ जो है चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं केबल तार का है और यहाँ पर जो है थोड़ा फ्यूज़ लगा हुआ है, जिससे आप अगर इसमें करंट देंगे तो ये जो है जलेगा, ठीक है। तो ये फ्यूज है, तो इस तरह का फ्यूज़ ये कैप हमने बना लिया और बारूद हमारे पास में है। अब हम क्या करेंगे, पीछे तरफ सील है, इस पे जो है कुछ बारूद हम भरेंगे। तो फिलहाल जो है मैंने बारूद पूरा फुल नहीं भरा है, लगभग ये जो यहाँ से जो उठा हुआ है इसके नीचे तक ही मैंने बारूद रखा है, थोड़ा कम ही रखिए। हम जो है ज़्यादा पावरफुल वाला नहीं बना रहे हैं, एकदम लाइट वाला, ठीक है। तो ये मैंने जो है फिल कर लिया है और थोड़ा पर्सन जो है खाली है। इसके बाद फ्यूज़ का जो ये पॉइंट है इसको हमको इसके अंदर डाल देना है। अब इसके बाद में मैंने एक जो है टेस्टर ले लिया है, कोई भी आप लोहे के सामान जो है मैंने लिया है। अब इसको जो है हमको इस तरह से ब्लॉक करना है चारों तरफ से। तो दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रिक बम है वो तैयार हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से मुझे बाकी सारे भी बम बनाना है। तो सारा बम जो है बनाने के बाद आपको जो है ब्लास्टर कैसे बनाना है वो मैं आपको डेमो दिखाऊंगा। तो फिलहाल जो है हमने एक इलेक्ट्रिक बम जो है वो बना लिया है। तो दोस्तों मेरे पास जो है 6 फ्यूज़ थे, तो मैंने जो है 6 इस तरह का बम मैंने बना दिया है। और आखिर में यही कहूँगा कि मैंने कोई ग्लब यूज़ नहीं किया है, तो आप जो है ग्लब यूज़ मुझे करना चाहिए। तो फिलहाल मेरे पास ग्लब नहीं है और मैं जो है अपने हाथों को अच्छे से जो है साबुन में धोऊंगा। अब दोस्तों इस बम को जो है हम एक फोर्स की तरह यूज़ करेंगे, जिसके फटने से जो फोर्स बनेगा वो जो है इस पाइप के ज़रिए जो है सारे पेपर्स को ऊपर करने में मदद करेगी। तो इस तरह से मैं हमने जो है एक पाइप का बनाया हुआ है, नीचे से जो है इसका तार निकालने के लिए एक छोटा सा होल है। तो हम इस पे जो है अपने पहले बम का जो वायर है उसको यहाँ से निकाल लेते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर जो है हमें कुछ कलर पेपर्स इस तरह का रेडीमेड आता है, तो ये आप कलर पेपर जो है अलग अलग शेप के इस तरह के पेपर्स जो है हमने मंगा रखा है। तो ये पेपर्स जो है इसके अंदर हमको जो है भरने हैं। तो हमारे पास जो है 2 अलग अलग शेप के पेपर हैं, रंगीन पेपर हैं, और रंगीन जो है आप जो झिल्ली का आता है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम जो है पेपर का यूज़ कर रहे हैं और इसको जो है इस पे भरना है। मगर उससे पहले जो है एक हमको एक पेपर हार्डबोर्ड पेपर में जो है इसके होल के साइज़ का एक पेपर कट करके इसमें देना है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Sun rays and I...
sideways till my shadow turns to sun rays and on and on.